ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं 1 जुलाई गुरुवार आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आपके व्यापार की दृष्टि से उत्तम रहेगा। आज कोई बाहरी और बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था और साथ ही ननिहाल पक्ष से प्रेम और स्नेह मिलने की पूर्ण संभावना पाई जाती है और साथ ही अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च होने की संभावना भी पाई जाती है। इससे आपको बचना होगा, नहीं तो भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आज संतान पक्ष से शुभ समाचार सुनने को भी मिल सकता है और किसी से मतभेद की संभावना भी प्रबल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यदि आपको कुछ शारीरिक रोग परेशान कर रहा है तो उसका जल्द निदान कर लें, अन्यथा कष्ट में वृद्धि संभव है। और आज सामाजिक क्रियाकलापों में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, हालांकि किसी की मदद से आप संभल जाएंगे। इसके साथ ही आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी और आज आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखेंगे। बाहर के खाने पीने की चीजों से परहेज रखें। इसके साथ ही आज आपको अपने परिश्रम का पूरा प्रतिफल भी प्राप्त होगा जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। दोस्तों, आपकी नेगेटिव और नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे आपका मनोबल गिर जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। पिता की सेहत को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं, विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। आज रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। कारोबार में आज सफलता के योग रहेंगे। आर्थिक नजरिए से आज का दिन आपके लिए कुछ अनुकूल रहेगा। लकड़ी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में इजाफा होगा, व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे मुनाफा भी होगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहेगा। अपने पिता की बातों का सम्मान करें, आपकी राय अहम है, सभी पक्षों पर सोच विचार कर ही अपनी बात रखें। घर परिवार में अविवाहितों के रिश्ते की बात हो सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। माता द्वारा कोई सुख प्राप्त होगा, घर परिवार में खुशियां रहेंगी और पति पत्नी में कोई मीठी नोकझोंक भी हो सकती है। इससे आपके प्रेम संबंध और मजबूत हो जाएंगे। बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये दिन काफी संयम बरतने के हैं, नहीं तो समाज में ऐसे रिश्तों से बदनामी भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सफल रहेगा, दाम्पत्य जीवन में काफी खुशियां रहेंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, इस दौरान हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की मरीजों को कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये समस्या मौसम जनित भी हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित योग करें, प्राणायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज आप ये उपाय अवश्य करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी को मिष्ठान का भोग लगाएं और इसके साथ ही खीर का प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। दोस्तों, आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, कमेंट में जय विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।